जो उन्होंने बीलअप को अपने पास संभाल के रखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको ऑलमोस्ट कोई 1.5 साल के करीब हो चुका हुआ है और उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनेगी और एक नई एग्जाम्पल, एक अच्छी एग्जाम्पल भी बन सकती है। तो एपीके के साथ ये लॉन्च था और एपीके के साथ यूज कर रहे हैं, मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ, आप सब भी यूज कर रहे हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली टॉप 100 में नहीं आ सका अभी, तो खैर वो यूजर नेम नहीं दिखते जो कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने तो इस पे एहतजाज किया था, मुझे नहीं पता कहाँ से सजेशन आई थी, लेकिन जब ये नेम रिमूव किए थे तो आई रियली जो है वो मैंने उनसे कहा उमर साहब से कि नाम रहने दें ताकि कंपटीशन रहे, क्योंकि मेरे लिए कंपटीशन था कि मुझे कम से कम टॉप 100 में नजर आना चाहिए, आई वॉज ट्राइंग हार्ड। तो वो लेकिन अभी वो नजर ही नहीं आता, तो वो थोड़ा सा जो है वो हमारा एक कंपटीशन वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसमें कंपटीशन ही होता है जो बेसिकली आपको, हमें किसी भी यूजर को, ये इससे पहले भी जिन एप्लीकेशंस को हम यूज कर चुके हैं उनके अंदर भी हम कंपटीशन के साथ जाना चाहते हैं, या हमारी ख्वाहिश होती है, क्योंकि इंसान की बुनियादी ख्वाहिशात में आप सब जानते हैं जहां पर हमें जो है वो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे पास पैसे हों, या हम रिच हों, या हमारे पास दौलत हो, वहीं पर हम इज्जत की ख्वाहिश करते हैं कि मेरे पास रिस्पेक्ट भी हो, और वहीं पर हम शोहरत की ख्वाहिश भी करते हैं कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। ये भी हमारी एक बेसिक डिजायर है कि हम अपनी पहचान भी चाह रहे होते हैं या अपनी शनाख्त भी चाह रहे होते हैं। तो ये जो नाम का लिखा होना होता है, ये आपको एक वो भी एक चीज होती है कि यार मैं नजर आऊं, मैं देखा जाऊं, वो आपको एक प्राउड फील होता है। जैसे मैं देखता था अभी, जब अभी इसका ये वर्जन चल रहा था, असलम भाई हैं पाकिस्तान से, उनकी टीम कलंदर थी, वो उस वक्त टॉप पे चल रहे थे, तो ही वाज लाइक कि यार भाई पहचानते हैं लोग हमें कि यार हम जो है वो मेहनत कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं। इस तरह बड़े तमाम लीडर्स जो थे वो सारे टॉप 50, टॉप 100 के अंदर थे, अभी जिनके नाम मैंने नहीं भी लिए, वो सारे जो लीडर्स हैं वो टॉप के अंदर थे, तो वो एक आपको एक पहचान मिलती है कि मेरा ग्रुप इसमें मौजूद है, मेरी टीम इसमें मौजूद है, और ये हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक कॉम्पिटिशन है। तो खैर ये उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है कि बहुत जल्द जो है वो इस पे कंपनी मतलब कंसिडर कर ले दोबारा नाम जाहिर करने पे, तो एक अच्छी चीज है, मैं समझता हूँ वो कोई ऐप वाली चीज नहीं थी, बुरी चीज नहीं थी, वो ठीक था, कॉम्पिटिशन ही आपको जो है वो आगे लेकर के आता है। तो एनीवेज ये है कि इसका जो कोर पर्पज है वो मैं समझता हूँ इससे कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कि बी लव डैप का बुनियादी पर्पज ये रहेगा कि हम बी लव डैप के जरिए से बी लव की शनाख्त कराएं, पूरी दुनिया को मालूम चले कि बी लव नाम का एक टोकन है जो जिसके पास ये बड़ी कम्युनिटी है, जिसके बिहाफ पर आप अच्छी एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी हो सकें और ट्रेड भी हो सकें, और आपके पास वैल्यू भी आए, और फिर उससे वो जो छोटे छोटे या बड़े बड़े किसी के जितने क्वाइंस हैं उतना उसका ड्रीम होगा वो फुलफिल हो सके, वो पूरे हो सके। लेकिन उसमें हमारे हिस्से का काम यही है कि हम उसको सक्सेसफुल करने के लिए अपने एफर्ट करें। हमारे लिए एक चैलेंज था, काम करने वालों के लिए एक चैलेंज था, कि जब हम किसी को ज्वाइन करवाना चाहते थे तो हम उसको एपीके का लिंक भेजते थे, और वो लिंक डाउनलोड करते हुए होता ये था कि उसको 2-3 दफा मोबाइल वार्निंग देता था कि भाई इसको अपने आपने रिस्क पे करना है, आपका अपना रिस्क है, आपने जो है वो ये आपके मोबाइल को नुकसान भी पहुंचा सकती है एप्लीकेशन। तो फिर भी मैं समझता हूँ ये बड़े हौसले की बात है, 1.4 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, 14 लाख डाउनलोड उसके फिर भी हो गए जबकि मोबाइल आपको 2 दफा वार्निंग देता था। ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी सोर्स से हो मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन बी लव डैप की और सबने की, तो ये है कि ये लोगों का ट्रस्ट है बी लव डैप के ऊपर या इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो लोगों ने इसको इंस्टॉल किया, और अब हम देखते हैं देखेंगे कि हमारी जो डाउनलोड की स्पीड है वो बढ़ेगी, हमारे यूजर्स बढ़ेंगे, और हम उस जर्नी को शुरू करने वाले हैं जिस जर्नी के अंदर जो है हम पूरी दुनिया में एक तरह से हलचल मचाएंगे, पहचान बनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 10-20 मिलियन के बाद जाके हम कोई डिफरेंस क्रिएट करेंगे, मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन पे हमारी कोई ऐसी अलग पहचान नहीं बनेगी। दे आर सो मैनी,